नाक नहीं जाए, लेकिन मैं उसे तुम्हारे पास भी नहीं रहने दूंगी। मैं तुमसे तुम्हारे नाक को छीन लूंगी और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मैं जो कहना था तुमने कह दिया चाली, अब जरा एक बात मेरी भी सुन लो। इस जन्म में क्या, मैं अगले 100 जन्मों तक तुमसे रिश्ता जोड़ने का सोच भी नहीं सकता। कानून मुझे मेरे घर से निकाल सकता है, लेकिन मुझे और सलोनी कोई दूसरे की जिंदगी से नहीं। सलोनी मेरी पत्नी है और हर जन्म मेरे नहीं रहने दूंगी। जन्म में तो क्या, इस जन्म में भी नहीं रहने दूंगी। और तुम देख, अब मैं देखती हूँ कि सलोनी कब तक तुम्हारी पत्नी बनकर रहती। वादा है मेरा तुमसे, बहुत जल्द तुम्हारी सलोनी को तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकलवा दूंगी। आई प्रॉमिस। चांदनी के कहे से घबराना मत मेरी बच्ची, अगर ये नागिन है तो हम ढाल हैं तेरी। अरे कौवे शोर मचाएंगे तो क्या आसमान नीचे गिर पड़ेगा? बाबू बात तो 100% की कही आपने बाबू, लेकिन मुश्किल इतनी सी है कि कानून का दिल नहीं होता, वो भावनाएं नहीं सबूत देखता है, और वो सबूत चांदनी के पास है। कानून के हिसाब से नाहर का वर्षा और सलोनी जी की शादी वैध नहीं मानी जाएगी। कावेरी जी, रिश्ते कागजों पर नहीं बना करते, रिश्ते दिलों के जुड़ने से बनते हैं। नाहर और सलोनी के रिश्ते को भगवान ने मंजूरी दी है, कोई इंसान क्या खाक तोड़ेगा उसे? सलोनी नाहर की पत्नी है और हमारे घर की बहू, और हम सब के लिए सलोनी हमेशा वही रहेगी। सलोनी की जिंदगी में कोई ना कोई नाटक चलता ही रहता है। खैर मेरे लिए तो अच्छा है, जब तक इस कबूतर खाने में रहूंगी कुछ एंटरटेनमेंट तो होते ही रहेगा। चांदनी कहाँ से आ रही हो? कुछ काम था। कैसा काम? चांदनी कुछ पूछ रहा हूं मैं। अब अपने बाबा से भी झूठ बोलेगी? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि नाहर सिंह से मिलके आ रही? मिलने नहीं, उन्हें लेने गई थी। क्या दिमाग खराब हो गया है तेरा? तुम जानती नहीं हो के कि तुम्हारी वो बेवकूफ बहन देविका कैसे उस नालायक ब्रजेश सिंह के प्यार में पड़ के उसने अपनी जिंदगी तबाह कर ली थी, और तू भी बिल्कुल वही कर रही है चांदी। अब तक अपनी बेटी को समझ नहीं पाया
मेरे सीने में जो पतले की आग जल रही है वो आपको दिखाई क्यों नहीं दे रही? मेरिका जैसी भी थी तो मेरी बहन, पर इन्हीं दोनों भाइयों की वजह से मौत हुई थी उसकी। आपने भी तो निर्दोष होते हुए अपनी जिंदगी के कितने साल जेल की चार दीवारी में काट दिए। सिर्फ नाहर ही नहीं, वो पूरा खानदान मेरा दुश्मन। आप देखिएगा पापा, आपकी आंखों के सामने उनकी एक एक हरकत का गिन गिन कर बदला लूंगी, उन्हें अपनी जूती की नोक पर रखूंगी, उनकी हालत नौकर से भी बदतर कर दूंगी। चलने बेटा, दुश्मन को कमजोर समझने की गलती मत करना। नाहर सिंह और उसके परिवार को झुकाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तीन पीढ़ियों से ज्यादा से जानता हूं इस परिवार को मैं। तुम्हारे कहने पर ये इस घर में कभी नहीं आएंगे। वो आएंगे बाबा, जरूर आएंगे। मैं उन्हें इतना मजबूर कर दूंगी कि उनका हर रास्ता इस हवेली तक आकर ही खत्म होगा। आप बस उस दिन का इंतजार कीजिएगा। चलो अब तुम दोनों बाहर जाओ, खाना मैं बना लेती हूँ। अरे बाबू आप रहने दीजिए, आप आराम कीजिए, हम दोनों है ना, हम संभाल लेंगे। ठीक है भाई, तुम लोग यहाँ संभालो, बाहर तारा सलोनी ने सब्जियां काट ली होंगी, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। अरे लगता है सबको जोर की भूख लगी है, हैं? तभी ऐसे गुमसुम बैठे हैं सब। चलो सलोनी जल्दी से खाना पका देते हैं। चल बेटी। अरे कावेरी तुम क्या खाना पसंद करोगी? इन दिनों में तो कई तरह की चीजें खाने की इच्छा होती होगी ना, जो कहो बना दूंगी। रहने दीजिए बाबू, इतनी भीड़ भाड़ में मेरा दम घुट रहा है। और ऐसे में खाना तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकती, ऐसा लगता है जैसे किसी धर्मशाला के लंगर में बैठे खाना खा रहे हूं। वैसे आप फिक्र मत कीजिए, मैं और समर किसी रेस्टोरेंट में जाके कैंडल लाइट डिनर कर लेंगे। हाँ हो सके तो एक एप्पल जूस मेरे रूम में भेज दीजिए। आप कावेरी की बातों का बुरा मत मानिएगा, मैं भी जाके उसे समझाता। नहीं समर, कावेरी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, उसका दोष नहीं है बेटे। ऐसी हालत में औरतों का स्वभाव कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है, और हम तो उसके अपने हैं, हम ये नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। क्या सोच रहे हैं?
यही कि कभी कभी एक छोटी सी गलती किस तरह जिंदगी भर का दर्द बन जाती है। अगर मैं चांदनी से प्यार करने की गलती ना करता तो आज हमारे परिवार को यह दिन ना देखना पड़ता। ऐसा कौन है इस दुनिया में नाहर, जिसकी जिंदगी में कोई तकलीफ कोई संघर्ष नहीं है, छोटी हो या बड़ी। हर इंसान को अपने हिस्से की जंग लड़नी पड़ती है। इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा मकसद है अपने परिवार की हिम्मत को बांधे रखना। ये हिम्मत टूटने ना पाए, इस बात की जिम्मेदारी हमारी है नाहर। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, उम्मीद का दामन तुम्हारी मुट्ठी से कभी नहीं फिसलता। अपने अंदर इतनी हिम्मत कहां से लाती हो तुम? उस चांद को देख रहे हो? उसे रोशनी कहां से मिलती है? सूरज से। मुझे भी अपने सूरज से अपनी जिंदगी की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। और आपको पता है मेरा सूरज कौन है? आप नाहर, आप हैं मेरे सूरज, जिनका हाथ थाम कर अंधेरे से अंधेरी रात में भी ठोकर की परवाह किए बिना मैं चल सकती हूँ। I love you, Saloni. I love you very much. Saloni, बेटा, नीचे आओ। मम्मी बुला रही हैं। अब आप जाकर सो जाइए, बहुत रात हो गई है। दूसरे की नींद उड़ाकर कितने चैन से सो रहे हैं तुम? कहां तो मैं कुछ धमाकेदार मनोरंजन के सपने देख रही थी, और हुआ क्या? मुसीबत का ये ढोल मेरे ही गले पड़ गया। नाम की चीसी नहीं है। आराम से, वो सो रहा है ना। इन्हें अपने खर्राटे की आवाज नहीं आती तो मेरी आवाज कहां से सुनाई देगी? समर, जरा घर की हालत देखो, तबेला लग रहा है। कैसे लोग यहां वहां पड़े हुए हैं। समर, ऐसे नहीं रह सकते। तुम प्लीज कर जाकर एक नया घर फाइनल कर लो, मुझे वहां ले चलो। कावेरी, प्लीज, अगर परेशानी के वक्त हम नहीं काम आएंगे तो और कौन आएगा? और कहां जाएंगे बेचारे? प्लीज, अब कोई तमाशा किए बिना चंद दिनों के लिए एडजस्ट करो, ओके? मैं तमाशा करती हूँ? और नहीं तो क्या? जब बाबू ने खाना पूछा और जिस तरह से तुमने जवाब दिया, वो तमाशा नहीं था तो और क्या था? और ये मत भूलो, जब तुम पर बुरा वक्त आया था तो उन्हीं ने तुम्हें सहारा दिया था। हाँ हाँ, याद है। लेकिन समर, मैं सलोनी दी के घर अकेले गई थी, पूरा कुनबा अपने साथ लेकर नहीं गई थी। अच्छा बाबा, ठीक है, अभी जाओ यहाँ से। आप सबको रात में नींद तो ठीक से आई ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? ऐसी बातें कर रहे हैं आप लोग बच्चे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ आ जाने से आप लोगों को तकलीफ हो रही है। अरे नहीं नहीं, हमें भला क्या परेशानी हो सकती है? परेशानी तो आप लोगों को हुई होगी, क्योंकि इतने छोटे से घर में रहने की आदत नहीं ना आप लोगों को। जी हाँ, और वैसे तो हमें मच्छरों की भी आदत नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पड़ जाएगी उसकी भी आदत। अरे जमाई सा आइए,
आपकी चाय ठंडी पीछे ना। जी, मैंने अपने एक बिजनेस एसोसिएट से बात की है, उन्होंने कुछ दिनों के लिए हमारे लिए एक फ्लैट का इंतजाम कर दिया। हम आज ही वहां शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं कंवर साहब, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आप लोगों को यहां से जाने नहीं देंगे। अरपत जी, अब इंतजाम हो गया है तो चले जाने दीजिए। आप लोगों को यहां कोई प्रॉब्लम है तो बात समझ में आती है, लेकिन हम आपके इतने नजदीक के होके अगर आपके काम नहीं आ सके ऐसे में, तो हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की और कोई बात नहीं होगी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं नरपत जी, हमने भी तो आप सबको अपना ही मानकर यहाँ चले आए ना, और फिर नाहर ने बात भी कर ली है तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को यहाँ रहने में थोड़ा मुश्किल तो होगा। घर छोटा है और सुविधाएं भी अधिक नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे में चले गए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ ब्रजेश जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी आज अक्षय तृतीया है, इतना शुभ दिन। आज के दिन तो पति पत्नी साथ मिलकर अपने पूर्वजों के लिए दान दक्षिणा करते हैं, और सुहागन पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। भला आज के दिन कैसे जा सकते हैं आप लोग? मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा आज अक्षय तृतीया है। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, फटाफट घर के सारे काम निपटा कर पूजा की तैयारी करते हैं। अरे खीर भी तो बनानी है। खीर भाभी साहब बनाएंगे, मैं मदद करूंगी आपकी। अदिति भाई साहब और बुआ साहब पूजा की तैयारी करेंगे। आज तो हमें तारा जी के हाथ से खीर खाने को मिलेगी। बिल्कुल, मैं बनाती। अब तो जाने की सोचिएगा भी मत, देख रहे हैं ना घर की महिलाओं ने हुक्म जारी कर दिया है। तारा भाभी, आप किचन में जा रही हैं? तो प्लीज मेरे लिए एक बादाम का मिल्कशेक बना दीजिए। वो क्या है कि सुबह से थोड़े चक्कर से आ रहे हैं। हाँ जरूर। भाभी साहब आप रहने दीजिए, बादाम का शेक मैं बनाती हूँ। सलोनी एक मिनट, तुम रुको। क्या बात है कावेरी, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लग गई है क्या? तुम खुद नहीं बना सकती क्या? मम्मी जी, मेहंदी का रंग उतरे हुए तो जमाना हो गया, पर क्या है ना कि कल मैं ब्यूटी पार्लर गई थी तो मैंने अपने नेल स्टाइल करवाए हैं, वो खराब हो जाएंगे। अगर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उसमें कितना पैसा खर्च किया है तो आप यहीं पर बेहोश हो जाएंगे। हाँ अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो नो प्रॉब्लम, मैं होटल से ऑर्डर करवा लूंगी। हाँ अगर आप लोगों को भी कुछ चाहिए तो प्लीज मुझसे कहिएगा, आज सबका खाना होटल से आएगा, मुझे पैसा खर्च करने में बिल्कुल भी रोना नहीं आता। देखिए ना ईश्वर की लीला, आप सबसे सब कुछ छीन कर हमारी झोली में डाल दिया। कावेरी, अरे मैं तो किस्मत के खेल की बात कर रही हूँ समर, आज हमारे संधि सड़क पर आ गए हैं तो आपका बिजनेस चल पड़ा। ऐसे में अगर हम काम नहीं आएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों को कोई भी जरूरत हो ना तो प्लीज हमसे कहिए।
हमारे होते हुए आप दूसरों के सामने हाथ पसारें, वो हमसे देखा नहीं जाएगा।